मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज ऐसे टॉप 5 टेक कोर्स लेकर आए हैं 2022 के लिए, जो आपको सीखने चाहिए और जो इस वेब डेवलपमेंट की दुनिया में और AI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको अच्छी से अच्छी जॉब दिला सकती है, आपके सपने पूरे कर सकती है और आपके जो पैकेजेस हैं वो चाहे US हो, इंडिया हो, कहीं भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो हम बात करेंगे ऐसे ही 5 टेक्निकल कोर्सेज की दोस्तों। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह है वेब डेवलपमेंट का। आप लोगों ने ये सुना होगा वेब डेवलपमेंट, और वेब डेवलपमेंट कोर्स में जो है दोस्तों, आप लोगों को जो जो चीज़ें आनी चाहिए वो आप लोगों को कॉमनली पता होती हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि आपको HTML आना चाहिए, आपको CSS आना चाहिए, आपको JavaScript आना चाहिए, आपको कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए, और दोस्तों जिसका यूज़ करके आप जो है कोई एक प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि WordPress हुआ, और भी काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका यूज़ करके जो है दोस्तों आप वेब डेवलपमेंट के कोर्स को सीख सकते हैं। और एक वेबसाइट को, एप्लीकेशन को फुली कैसे बनाया जाता है, कैसे रिमोट किया जाता है, कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे डिप्लॉय किया जाता है, ये सभी जो है वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज में आते हैं दोस्तों। और ये कोर्स जो है टेक्निकल वर्ल्ड में चाहे 2022 ही क्यों नहीं, आने वाले सालों में भी बहुत ज़्यादा चलने वाला है। बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इस चीज़ में आपको स्पेस मिलेगा और फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा हो सकता है वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में दोस्तों। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा कह सकते हैं टेक कोर्स है वो है साइबर सिक्योरिटी, और ये सबसे ज़्यादा अभी चलन में है। और साइबर सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि दोस्तों साइबर सिक्योरिटी में आप काफ़ी ऐसे सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स। दोस्तों ये कोर्स करने के बाद जो आपको जॉब पोर्टफोलियो मिलते हैं वो हो सकते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का, सिक्योरिटी इंजीनियर का भी आप यहाँ पर पोस्ट आपको हो सकता है मिल सकता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, IT मैनेजर का। और दोस्तों कंप्यूटर सिक्योरिटी की जॉब जो है और प्रोफाइल जो है बहुत ज़्यादा हायर पेड हम कह सकते हैं जॉब्स में आती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े कह सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को और टेक्निकल वर्ल्ड्स पर डिपेंड हैं, क्लाउड्स पर डिपेंड हैं दोस्तों। तो साइबर सिक्योरिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जितना नॉलेज आपको होगा उतना ही ज़्यादा पेमेंट, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको परिणाम कह सकते हैं कि आपको जॉब में आपको पैसा मिल सकता है दोस्तों। इसी क्रम में जो तीसरा हमारा कोर्स है वो है बिग डेटा। आपने ये नाम सुना होगा बिग डेटा। बिग डेटा क्या है दोस्तों, हम आपको ऐसे नॉर्मली बता देते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक, गूगल हुआ, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जीमेल हुआ, ये तो ठीक है, एक कॉमन सी बात है जो लोग जानते हैं। ऐसे दोस्तों कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेबसाइट्स हैं, जैसे कि हम जहां से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं या फिर घर का सामान मंगाते हैं या कोई भी ऐसी और चीज़ें मंगाते हैं दोस्तों, वह सभी जो है कस्टमर का डेटा किस तरीके से रखती हैं, किस तरीके से एनालिसिस करती हैं, ये दोस्तों इसको बिग डेटा कहा गया है। बिग डेटा इज़ अ फील्ड दैट रीड्स वे टू एनालाइज सिस्टमेटिकली एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम और अदरवाइज डील विद डेटा सेट्स दैट आर टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स टू बी डेल्ट विद बाय ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो दोस्तों पूरे डेटा को एक्सेस करना, मान लीजिए कोई गूगल कंपनी है या और कोई भी आप कंपनी ले सकते हैं, वो अगर अपने 500 प्लेटफॉर्म चला रही है तो उस पर अलग अलग डेटा इकट्ठा होता है, जनरेट होता है। और दोस्तों जो इमेजिनेशन से बाहर है वो ये है कि पर डे ना जाने कितने बाइट्स और बिलियंस और टेराबिलियंस जो है डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, चाहे वे क्लाउड पर हों, सर्वर पर हों, कहीं भी हों। इस डेटा को हैंडल करना आज के इस मशीन लर्निंग के टाइम पर और उसको एनालिसिस करना, बिग डेटा की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। और इसके जो टेक्निकल जो एक्सपर्ट होते हैं दोस्तों उनकी भी कमी इस तरीके से है कि अगर आपको ये कह सकते हैं कि एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आता है तो आप इस फील्ड में भी अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बिग डेटा वाकई एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसको
इसकी पढ़ाई करना या इसका कोर्स समझना और इसके ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस करना दोस्तों काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। और बिग डेटा, जैसा कि आपने सुना होगा, हैडूप करके जो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, ये हैडूप इन बिग डेटा। इसी तरीके से दोस्तों स्पार्क, ये काफ़ी सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म हैं जो कि इन पर यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस को हैंडल करना इन सभी चीज़ों से पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों आप जो जॉब प्रोफाइल बिग डेटा में लेते हैं वो होता है बिग डेटा कंसल्टेंट का, बिग डेटा डेवलपर का, बिग डेटा एनालिस्ट का, और भी कई सारे ऐसे पोर्टफोलियो जो बिग डेटा में आपको मिलते हैं। दोस्तों अब जो हमारी चौथी टेक कोर्स है, चौथा टेक कोर्स है, वो है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों, ये अब एक कॉमन इंसान को जो टेक्निकल फील्ड से नहीं है उसे भी समझ आने लगा है कि डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किस तरीके से हम हमारे पेज को, एप्लीकेशन को, चैनल को, वीडियोस को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसके सर्च ऑपरेशंस को, ये दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आता है। ऑनलाइन मार्केटिंग, आपको जो पोस्ट मिलती हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो होती हैं वेब एनालिस्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कोई चीज़ परचेस करते हैं, इवन आप क्लिक करते हैं, देखते हैं उसको, तो वहाँ से जब मार्केटिंग शुरू होती है दोस्तों, तो वो आप तक रीच आउट करने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए, आपको पूरी बात समझाने के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करता है दोस्तों डिजिटली, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहा गया है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेस इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके डिजिटल मार्केटिंग बनता है दोस्तों। इंटरनेट, ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, अदर डिजिटल मीडिया, जिसमें दोस्तों वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और मार्केटिंग जो आप मार्केट में देखते हैं, बैनर्स लगना और बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स लगना, उसी का दोस्तों ये डिजिटल रूप है जो आप तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है। ब्रांड्स के प्रमोशंस के लिए और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि इस फील्ड में आती हैं, और आपको इनमें से किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना है और आप को पता चलेगा कि ये जो कंप्यूटर की टेक वर्ल्ड की फील्ड है ये कितनी ज़्यादा काम आने वाली है और कितना ज़्यादा काम इस पर आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों जो लास्ट आज का जो टॉप पाँच में जो नंबर वन पे हम कह सकते हैं वो है दोस्तों पाइथन प्रोग्रामिंग। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, लोगों के सपने होते हैं कि हमें ये आना आए, हम इसको सीख लें ये क्या होती है, और ज़्यादातर, बहुत ज़्यादातर अब इन्हीं चीज़ों पर काम हो रहा है, यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दोस्तों यूज़ किया जा रहा है। पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स डिज़ाइन फिलोसफी एम्फसाइजेस कोड्स रीडेबिलिटी विद इट्स यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट। काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। अब जो भी वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म बन रहे हैं या जो पहले अलग अलग भाषाओं पर बने हुए थे वो भी अब पाइथन पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और ये लैंग्वेज जो है दोस्तों अब इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आ रही है, आने वाली है, आती रहेगी। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको सीख सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप पाइथन प्रोग्रामिंग को सीख कर इसकी लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड करके आप जो है प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, और दोस्तों इस लैंग्वेज की भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 टेक्निकल कोर्सेज जो कि आपको 2022 में करने चाहिए, सीखने चाहिए। इनमें से किसी एक को आप अपना स्पेसिफिकेशन बनाकर उस पर काम कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी जॉब पा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।